सियाराम वंदे मातरम। आज हमारे समीर जी हमारे साथ में हैं। विगत कुछ दिन पहले ना, लगभग कितना 20 दिन हुआ होगा ना, 20 दिन पहले हमारे एक अरविंद जी हैं, अरविंद मिश्रा हैं ना, वो जो आपको लेकर आए थे, गोविंद मिश्रा। अच्छा, गोविंद मिश्रा जी हैं, उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम थी, स्वस्थ हुए थे लोग, तो उनके मित्र हैं और जो है इनको कुछ गंभीर समस्याएं थी जिसको लेकर के उस समय आप बड़े निराश दिख रहे थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे ठीक नहीं होंगे, तो कई जगहों पे परेशान रहे। इवन गलत इलाज के चक्कर में इनको अपनी किडनी भी गंवानी पड़ गई थी, गलत ऑपरेट कर दिया गया था, तो किडनी में समस्या आने की वजह से भी उसको इन्होंने निकलवाया, और अब तो सिंगल किडनी, एक ही किडनी है। तो क्या कहते हैं कि कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे, जैसे क्या क्या तकलीफ उस समय तकलीफें थी आपको? एक घुटने में दर्द था, घुटने में ज़्यादा दर्द रहता था ना, उठने बैठने में तो काफ़ी दिक्कत थी। हाँ, बाकी जैसे खाने पीने और तमाम चीज़ों में समस्याएं जो आप से नहीं, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर जो ना घुटने में दर्द था, जो ना हर जांच होने के बावजूद जो ना सब नॉर्मल निकल रहा था। हाँ, और डॉक्टर बोलते थे कि जो है कट की आवाज़ कर रहे थे घुटने में। हाँ, और डॉक्टर बोला कि पैर फैला के बैठो जो ना, और इसका कोई इलाज है नहीं जो ना, और कैल्शियम की दवा देते थे बस। हाँ, बोलते थे कि इसका कोई इलाज नहीं, इलाज ही नहीं है ना, लेकिन ये रहा कि प्रभु की कृपा हुई, आयुर्वेद पे आपको विश्वास हुआ। तो पिछले 15-20 दिनों से इनको कुछ हर्क औषधियाँ हैं जो अपने इस औषधालय में तैयार कर दी जाती हैं, तो वो, और आपको मैंने वो चाय भी दिया था ना। हाँ, हर्बल चाय, रोगांतक हर्बल चाय, ये चाय है अपनी, और इससे आपको फ़ायदा होगा, काफ़ी हुआ होगा इससे। हाँ, आपको जैसे शरीर हल्का हो जाना, तमाम चीज़ों के लाभ। हाँ, तो आपको महसूस हुआ इसके? महसूस हो रहा है कि जो ना कुछ शरीर में फिट है जो ना है पहले से। और पहले की अपेक्षा आपको 20 दिनों में काफ़ी लाभ हुआ। हाँ, अब चल कट की आवाज़ नहीं करती जो ना, दर्द थोड़ा है। हाँ, थोड़ा बहुत है लेकिन। हाँ, काफ़ी अब चलने में भी सहजता हो गई, कोई दिक्कत नहीं होती 20 दिन में ही, और जो कटकट की आवाज़ आती थी लगभग वो बंद हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। तो आयुर्वेद पे दम तो है ही, आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, मानते हैं ना, मानेंगे भाई जो ना, मुझे दे ठीक है फिट है तो जो ना मानेंगे। तब जहाँ पे लोगों ने इनकार कर दिया था डॉक्टर ने कि भाई ये चलता रहेगा ऐसे। हाँ, और वहाँ 20 दिन में ही लगभग समस्या से आप निजात पा गए। हाँ, तो ये है कि आयुर्वेद में चमत्कार तो है ही है, वो तो मानेंगे। इसी प्रकार से हम लोग धन्वंतरी देव का गुणगान करते रहें और जो है आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में सबको जो है विस्तार दें, और आपके आसपास ही आयुर्वेद उपलब्ध है। आयुर्वेद जीवन विद्या है, कोई जड़ी बूटी विज्ञान नहीं है। आपके आसपास ही समस्याओं का समाधान उपलब्ध है, उनसे परिचित हों, उनको जानें, उनका उपयोग करें और इसी प्रकार से स्वस्थ हो जाएं। और देखिए जैसे उस दिन चेहरा किस तरीके से आपका मुरझाया था और आज किस तरीके से खिला हुआ है, एहसास अलग है जो ना, और ऐसे सिंपल में अलग है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी मुस्कान जो है सभी बिखेरते रहें और आयुर्वेद के साथ चलते रहें, और साथ में ही रोगांतक हर्बल चाय, उसमें जो कंटेंट पड़े हुए हैं आप चाहे इनका घर पर ही जो है उपयोग कर सकते हैं बना करके। जैसे इसमें जो जो चीज़ें हैं दिख भी रही होंगी, आप घर पे बनाइए, उसका उपयोग करिए, और नहीं तो बाज़ार में जो उपलब्ध है, बनवाते हैं हम जहाँ भी सप्लाई करते हैं इनकी, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसको सहज है, सरल है और आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगी। तो ऐसे ही प्रसन्न रहें समीर जी, और आगे ऐसे ही बेहतर होता रहे। जय सियाराम। जय सियाराम।